कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास बनाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इतिहास बनाने के साथ साथ भविष्य के लिए उत्साह पैदा करती हैं, और उनमें से एक है जो कि हमारे साथ मौजूद है, मारुति सुजुकी जिम्नी। पचास वर्षों से भी ज्यादा का समय हो चुका है जब 1970 में फर्स्ट जनरेशन जिम्नी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च हुई थी। इसके बाद सेकंड जनरेशन मॉडल 1981 में आया, जिसे मारुति जिप्सी नाम दिया गया, और इंडिया में ये गाड़ी कितनी पॉपुलर हुई है ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद 1981 में जिम्नी में बड़ा बदलाव देखा गया, हालांकि ये भारत में मौजूद नहीं थी। फिर 2018 में चौथी जनरेशन मारुति जिम्नी का थ्री डोर अवतार लॉन्च किया गया, और अब 2023 में जिम्नी 5 डोर अवतार के साथ इंडिया में लॉन्च होने जा रही है, और इंडिया पहला ऐसा मार्केट है जहां 5 डोर जिम्नी सबसे पहली बेची जाएगी और यहां पर बनाई भी जा रही है। अब जिप्सी का डीएनए आपको जिम्नी में भी देखने को मिलता है। चेहरा अगर आप देखते हो तो हेडलाइट, इंडिकेटर और फॉग लैंप आपको प्रॉपर सर्कुलर वे में देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम टच दिया गया है क्योंकि क्रोम का इस्तेमाल आपको ग्रिल पर देखने को मिल जाता है। बम्पर काफी बड़े चंकी से दिए गए हैं और बम्पर पर इंटीग्रेटेड आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाती है, छोटी सी ग्रिल भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है वो प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। बेस्ट पार्ट तो ये कि लग्जरी कार की तरह इसमें आपको हेडलाइट वॉशर मिल जाता है। गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से हल्की सी कम है, तो ऐसे में साइड से दिखने में ये आपको बहुत ज्यादा लंबी नजर नहीं आएगी। स्ट्रेट पिलर्स और बाहर की तरफ निकले ट्रेपेजॉइडल व्हील आर्च इसे काफी मस्कुलर लुक देते हैं। टॉप मॉडल में 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि साइड लुक्स और ज्यादा एनहांस करते हुए नजर आते हैं। रियर प्रोफाइल में स्पेयर व्हील, रूफ माउंटेड एंटेना और बम्पर में इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स इसे यूनिक लुक देते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्नी के इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रगेड लुक देखने को मिल जाता है और प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो इसी वजह से जो पिलर्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट देखने को मिल जाते हैं। विंडशील्ड आपको अपराइट देखने को मिल जाता है, लेकिन इंटीरियर में जो भी आपको टच पॉइंट्स या फिर जो भी मटेरियल आपको देखने को मिलता है उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। प्रॉपर ऑफ रोडर कार है तो इसी वजह से यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लुक देता हुआ नजर आता है। बाकी ओल्ड स्कूल टाइप आपको यहाँ पर एसी वेंट्स के जो कंट्रोल्स हैं, एसी वेंट्स हो गए और साथ ही कुछ स्विचेस वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि गाड़ी थोड़ी सी प्रीमियम है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े एनालॉग मीटर और बीच में छोटी सी एक MID यूनिट देखने को मिल जाती है, और स्टीयरिंग व्हील जिस तरीके से आपको मारुति की सभी गाड़ियों में देखने को मिलता है वैसा ही इसमें भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी SUV है तो SUV में जो U होता है ना, यानी कि यूटिलिटी, उस पर कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, अगर आप दरवाजों पर स्टोरेज स्पेस देखते हैं तो वो बिल्कुल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ग्लव बॉक्स जो है उसमें भी आपको बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हालांकि उसमें आप वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी स्टोरेज स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा फ्रंट सीटें काफी ज्यादा आरामदायक है और यहाँ आपको बढ़िया कम्फर्ट मिल जाता है। अब जो 3-door जिम्नी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही बेची जा रही है, उसके मुकाबले इस गाड़ी का व्हील बेस ज्यादा किया गया है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर 5 दरवाजे तो मिलते हैं और रियर सीटों पर भी स्पेस ज्यादा मिल जाता है, लेकिन उतना ज्यादा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप इस गाड़ी में पिछली सीटों पर 3 लोग बिठाते हैं तो उनके लिए आरामदेह अवस्था यहाँ पर नहीं बनेगी। 2 लोग बहुत ही आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे और दोनों के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और साथ ही 3-point सीट बेल्ट भी है, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर आप बिठाओगे तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बैठेगा। बाकी पीछे कोई भी AC वेंट्स नहीं है जो कि मुझे लगता है कंपनी को देने चाहिए थे। अब देखो, गर्मी में हम शूट कर रहे हैं और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जो लोग जिम्नी चलाएंगे, पीछे जो लोग बैठेंगे, हो सकता है उनके लिए जो AC है वो पर्याप्त ना बैठे। बाकी स्टोरेज स्पेस जिस तरीके से आपको आगे नहीं मिलता वैसे ही आपको पीछे भी नहीं मिलता है। बाकी मेरी हाइट 5.4 फीट है तो मेरी हाइट के लिए हेडरूम पर्याप्त है, लेगरूम भी पर्याप्त है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट मुझे बहुत कम मिल रहा है। इनफैक्ट अगर 6 फीट का बंदा यहाँ पर बैठेगा तो उसे भी कम ही मिलेगा और हो सकता है हेडरूम भी उसे कम मिले।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि जिमनी में बूट स्पेस कितना मिलता है, क्योंकि 5 दरवाजे तो कंपनी ने दे दिए हैं लेकिन बूट स्पेस कितना मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, हमने भर के सामान रखा हुआ है, तो आप खुद देखो कि किस लेवल का यहाँ पर बूट स्पेस मिल रहा है। 208 लीटर्स का अगर आप सारी सीटें अनफोल्ड करके रखते हैं तो 208 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और अगर आप पिछली वाली यानी कि रियर सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो ओवरऑल आपको 332 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि पर्याप्त है। तो फाइनली चला रहे हैं मारुति जिम्नी। अब गाड़ी पूरी तरह नई है, लेकिन इस गाड़ी के जो इंजन की टेक्नोलॉजी है वो आपको थोड़ी सी पुरानी देखने को मिल जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको K15B इंजन मिलता है जो कि 1500 सीसी का है, और K15B जो इंजन है वो पुरानी जो ब्रेजा वगैरह होती थी उसमें यूज़ किया जाता था। अब K15B इंजन देखो, पावर के मामले में तो बढ़िया इंजन है, लेकिन माइलेज के मामले में उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसी वजह से जो आजकल की नई वाली जो मारुति की SUVs हैं, ब्रेजा और XL6 वगैरह, उनमें आपको K15C इंजन मिलता है। अब ये जो इंजन है, इस इंजन में आपको 104.8 BHP की पावर और साथ ही 134.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, और इंजन के साथ आपको पुराने ज़माने वाला ही 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें आपको सेकंड गियर का लो रेशियो भी मिलता है और साथ ही L यानी कि फर्स्ट गियर का लो रेशियो भी इसमें मिल जाता है। बेस्ट पार्ट ये कि गाड़ी में दिए गए सस्पेंशन ऑन रोड पर काफी अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और तेज रफ्तार में मोड़ने पर ऐसा नहीं लगेगा कि आप अंदर बहुत ज्यादा इधर उधर हिल रहे हैं। इंजन से काफी अच्छी खासी प्रतिक्रिया मिलती है, स्टीयरिंग फीडबैक और ब्रेकिंग से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हमने सिर्फ 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ही वेरिएंट चलाया, जिसमें हाईवे पर इसने थोड़ा सा निराश किया है। ओवरटेक करने के लिए जैसे ही आप गाड़ी खींचते हैं तो ट्रांसमिशन से आपको ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन इस ट्रांसमिशन की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें ऑफ रोडिंग के दौरान देखने को मिली है। लैडर फ्रेम पर बनी जिम्नी के फ्रंट और रियर में 3 लिंक रिजिड एक्सेल टाइप के साथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं। बेस्ट पार्ट ये कि इसमें ब्रिजस्टोन के मड प्लस स्नो टायर्स लगे हैं, कोई ऑल ग्रिप टायर्स नहीं हैं। तो ऐसे में ये गाड़ी चुनौती भरे रास्ते किस तरह से पार करती है, ये हमारे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो ये प्रॉपर पूरा नक्शा है जहाँ पर हम ऑफ रोडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 स्पेशल स्टेजेस हैं, तो जिसमें आप यहाँ पर ये स्टेजेस देख रहे हैं, तो ये पूरा कवर करते हुए हम यहाँ पर मालदेवता रोड पर जाएंगे। 6 स्पेशल स्टेजेस और हर स्टेज पर कड़ी चुनौती, पूरी तरह नेचुरल ऑफ रोडिंग होने वाली थी। छोटे हो या बड़े पत्थर, हर जगह जिम्नी से बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 36 डिग्री अप्रोच एंगल, 50 डिग्री डिपार्चर और 24 डिग्री रैंप ओवर एंगल मारुति जिम्नी में मिलता है। लो रेंज ट्रांसफर केस और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाकई काफी ज्यादा जबरदस्त काम करते हुए नजर आए इस पूरे ऑफ रोडिंग ट्रैक पर। इंक्लाइन पर गाड़ी चढ़ानी हो या स्टीप डिक्लाइन से गाड़ी उतारनी हो, हिल डिसेंट कंट्रोल का काम भी पसंद आएगा। इसके अलावा आप मारुति जिम्नी को 310 mm तक पानी में चला सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मारुति जिम्नी को खरीदा जाए या नहीं। अगर इस गाड़ी की कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक जाती है तो इस गाड़ी को आप खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में ना आपको अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। भले ही स्पेस कम है, फीचर्स थोड़े कम हैं और अंदर जो यूटिलिटी वाइज जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो बहुत कम है, लेकिन इस गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी दमदार देखने को मिल जाता है, ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छी मिल जाती है, इतना ही नहीं बॉडी रोल आपको कम देखने को मिल जाता है और राइड क्वालिटी भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि नई मारुति जिम्नी का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं।